नमस्कार। एलोपेशिया इरिटा में हेयर ट्रांसप्लांट का क्या रोल है? हाउ डज द हेयर ट्रांसप्लांट वर्क फॉर एलोपेशिया इरिटा? सिंगल लाइन आंसर इज एलोपेशिया इरिटा में हेयर ट्रांसप्लांट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एलोपेशिया इरिटा एक ऑटोइम्यून डिजीज है और उसके अंदर बालों की जड़ें अपने आप को डैमेज करती है, मीन्स खा जाती है, मीन्स इम्यूनिटी ऐसी डिस्टर्ब होती है कि हेयर फॉलिकल डैमेज होती है, ख़त्म हो जाती है। ऑल्दो इसका जो ग्रोइंग एंड होता है हेयर फॉलिकल के अंदर, जिसमें स्टेम सेल होती है, उसको डैमेज नहीं होता है, तो देयर चांसेस दैट दे में रीग्रो। बट इवन देन एलोपेशिया इरिटा जो भी एक्टिव स्टेज होती है उसके अंदर हेयर ट्रांसप्लांट कभी भी नहीं किया जाता है। यदि लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल एलोपेशिया इरिटा न घट रहा है न बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों से, उसके अंदर छोटा सा आप पहले टेस्ट पैच कर सकते हैं। टेस्ट पैच को आप 6 और 8 महीने तक, 1 साल तक चेक करेगा, फिर आप छोटा हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आल्दो मैं नहीं करता हूं और एडवाइस भी नहीं करता हूं कि एलोपेशिया इरिटा के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट आपको कराना चाहिए। दूसरे ट्रीटमेंट है, जैसे कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन है, स्टेरॉइड का लोकल एप्लीकेशन है, और आजकल जैक इनहिबिटर करके गोलियां इंडिया में भी अवेलेबल हो गई है और उसके रिजल्ट रीजनेबली गुड है, तो यू कैन ट्राई फर्स्ट विद दैट ट्रीटमेंट। थैंक यू।